नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से हमारे YouTube चैनल मनीष वीरजी टेक्निकल में स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम आपके सामने फिर से एक नई वीडियो के लेकर आए हैं, जिसके माध्यम से हम आपको बताएंगे कि दो 5-पिन सॉकेट और दो स्विच का कनेक्शन एक दूसरे के साथ कैसे किया जाता है। दोस्तों, हम मॉड्यूलर स्विच सॉकेट का कनेक्शन आपको हमारे माध्यम से बताने वाले हैं, तो वीडियो पर बने रहें, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो दोस्तों, वीडियो को करते हैं शुरू। तो देखिए दोस्तों, दो 5-पिन सॉकेट दिख रहे हैं। एक 5-पिन सॉकेट का तो इस वाले स्विच से कनेक्ट करना है और एक 5-पिन सॉकेट का एक स्विच से कनेक्ट करना है। तो इसका कनेक्शन कैसे किया जाता है वो हम आपको बताने वाले हैं। तो जो भी हमारे चैनल पर नए हों तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो देखिए दोस्तों, जैसे ही बोर्ड को हम उल्टा करते हैं तो कुछ इस तरीके से हमारे सामने नज़र आते हैं। दो तो स्विच हैं और दो 5-पिन सॉकेट है। दोस्तों, ये होस्पर कंपनी का मॉडल है जो आपको बाज़ार में आसानी से मिल जाएगा। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम एक कॉपर का वायर लेंगे। कॉपर का वायर से हम स्विच के दोनों पॉइंटों को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करेंगे। दोस्तों, मैं अक्सर आपको बताता रहता हूं कि हमेशा जब भी कनेक्शन आप करो तो प्लीज़ कॉपर का वायर ज़रूर लें, ताकि बोर्ड एक तो मज़बूत बने और एक ज़्यादा दिन तक चल पाए। तो देखिए दोस्तों, हम स्विच का कनेक्शन एक दूसरे के साथ कॉपर वायर के साथ कर रहे हैं। दोस्तों, जो भी हमारे चैनल पे अभी नए आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि जब भी हम नई नई वीडियो लेकर आएँ तो आपके पास नोटिफिकेशन आता रहे। दोस्तों, अब हम दोनों 5-पिन सॉकेट का एक दूसरे के साथ कनेक्शन करेंगे। दोस्तों, किसी भाई का क्वेश्चन था कि भाई आप रेड कलर का वायर ही फेस के लिए क्यों यूज़ करते हो, तो मैं आपको बता दूं, आप किसी भी वायर का वैसे यूज़ कर सकते हो, लेकिन मैं रेड कलर का वायर यूज़ करता हूं, इसलिए रेड कलर का वायर लगा रहा हूं। तो हम एक पॉइंट तो 5-पिन सॉकेट के इस वाले पॉइंट में एक वायर कनेक्ट करेंगे और दूसरा 5-पिन सॉकेट के जो फेस वाला पॉइंट है उसमें कनेक्ट कर देंगे। दोस्तों, एक भाई का क्वेश्चन और था कि भाई आप राइट साइड वाले में फेस का कनेक्शन क्यों नहीं करते हो, वो तो फेस का पॉइंट होता है। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, जैसे भी हम बोर्ड जो भी है हमारे पास उसको फ्रंट से देखते हैं तो राइट वाला पॉइंट ही फेस का पॉइंट होता है, लेकिन जैसे ही बोर्ड को हम उल्टा करते हैं तो लेफ़्ट वाला पॉइंट राइट हो जाता है और राइट वाला पॉइंट लेफ़्ट हो जाता है। दोस्तों, वैसे भी 5-पिन सॉकेट पर अंकित होता है लिखा हुआ कि फेज वाला कौन सा है और न्यूट्रल का कौन सा है। दोस्तों, अब हम 5-पिन सॉकेट का स्विच के साथ कनेक्ट करेंगे। तो 5-पिन सॉकेट जो पहला पॉइंट आपको दिख रहा होगा उसमें एक पॉइंट बचा हुआ है, उसको हम स्विच के साथ कनेक्ट करेंगे। तो स्विच के एक पॉइंट से 5-पिन सॉकेट के न्यूट्रल का पॉइंट कनेक्ट कर देंगे। दोस्तों, तो इसके लिए हम ब्लैक कलर का वायर यूज़ इसलिए कर रहे हैं ताकि आपको कनेक्शन आसानी समझ में आ सके, क्योंकि सेम कलर के वायर से आसानी से समझ में नहीं आता, इसलिए हम अलग कलर का वायर लगा के आपको दिखा रहे हैं। उसी तरीके से दूसरे 5-पिन सॉकेट का स्विच के साथ कनेक्ट करेंगे। फिर हम आपको सीरीज के माध्यम से बोर्ड को चालू करके भी आपको बताएंगे। तो वीडियो पर बने रहें, वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखें ताकि कनेक्शन आपको आसानी से समझ में आ सके और छोटी मोटी जानकारियां भी हासिल हो सके। देखिए दोस्तों, एक वायर तो हम स्विच के ऊपर वाले पॉइंट से लगाएंगे और एक वायर 5-पिन सॉकेट के न्यूट्रल पॉइंट से कनेक्ट करेंगे। उसके बाद हम मेन वायर जो भी अर्थ फेस वाले वायर हैं वो भी आपको निकाल के दिखाएंगे और बोर्ड को सीरीज के माध्यम से चालू और बंद करना भी आपको बताएंगे।
तो देखिए दोस्तों, रेड कलर का वायर तो फेज का पॉइंट है, और जो ब्लैक कलर का हमने वायर लगाया वो न्यूट्रल के साथ कनेक्ट किया है स्विच को, क्योंकि स्विच के साथ हमें 5-पिन सॉकेट दोनों का कनेक्शन करना है। तो आपको स्क्रीन पर कुछ इस तरीके से दिख रहा होगा दोस्तों। अगर आपको हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें दोस्तों, ताकि वो भी आसानी से समझ पाए। दोस्तों अब हम मेन वायर निकाल के आपको बताते हैं। तो सबसे पहले हम येलो कलर का जो वायर ले रहे हैं उसको स्विच के नीचे वाले पॉइंट के साथ कनेक्ट करना है, क्योंकि दोस्तों हमें स्विच के साथ 5-पिन सॉकेट को हमने कनेक्ट किया है। तो एक पॉइंट तो हम स्विच के नीचे वाले पॉइंट करेंगे, और जो रेड कलर का वायर है जो हम आपको बताते हैं कि मैं हमेशा फेज का पॉइंट रेड कलर का लेता हूं, तो एक वायर 5-पिन सॉकेट के फेज वाले पॉइंट में कनेक्ट कर देंगे। तो देखिए दोस्तों, हमने कनेक्ट कर दिया है। तो ये दो वायर हैं, ये तो मेन लाइन के वायर हैं दोस्तों, और जो बाकी के वायर हैं वो आपको स्क्रीन पर कुछ इस तरीके से दिख रहा होगा। अब हम सीरीज के माध्यम से बोर्ड को चालू या बंद करना भी आपको बताने वाले हैं। तो इसके लिए हम बोर्ड को फिर से सीधा करते हैं ताकि आपको कुछ अच्छे से दिख पाए। तो देखिए दोस्तों, कुछ इस तरीके से अच्छे शाइनिंग के साथ आपको दिख रहा होगा बोर्ड। दो 5-पिन सॉकेट है और दो स्विच है, उनका कनेक्शन हमने एक दूसरे के साथ कर दिया है। अब हम सीरीज के माध्यम से बोर्ड को चालू करके आपको बताएंगे कि वाकई कनेक्शन सही हुआ है या नहीं हुआ है। तो उसके लिए हम सीरीज लेते हैं और उसे 5-पिन सॉकेट के दोनों पॉइंटों में लगाते हैं और फिर स्विच ऑन करके देखते हैं। देखिए दोस्तों, सीरीज पूरी तरह चालू हो गई है, मतलब जो भी कनेक्शन हमने अभी किया है वो इस 5-पिन सॉकेट के साथ पूरी तरह काम कर रहा है। इसी प्रकार हम दूसरे 5-पिन सॉकेट को चेक करेंगे। तो देखिए दोस्तों, इसमें भी लाइट आ गई है सीरीज में, मतलब कि कनेक्शन सही हुआ है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें दोस्तों। धन्यवाद।